ठहराया है और चार निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का अब साथ देने का ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया है। साथ ही उन्होंने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया है। नरेश बंसल से खास बातचीत टीएनपी न्यूज के संवाददाता शिवम पांडे ने की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आपको। आप उत्तराखंड से दिल्ली आए हैं, अब आपको चांदनी चौक की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि साफ तौर से बात किया जाए वहाँ प्रवीण खंडेलवाल के साथ जेपी अग्रवाल जो कांग्रेस के हैं, एनडीए अलायंस के गठबंधनों को लेकर क्या कहेंगे सर, इस बार कांटे की टक्कर कैसी देखी जा रही है? देखिए, चुनाव चुनाव होता है, चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि सबने ये मान लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार आएंगे तो मोदी ही, ये जनता के जुबान पर है। 10 साल के जो काम हुए और जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की विफलता, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ थे, जो उनका गठबंधन, ये सारी चीज़ें जनता को प्रेरित कर रही हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे करके देश के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। सर, वहीं अगर बात किया जाए तो लगातार विपक्ष जो है जनता को गुमराह भी करती रही, तो उनका साफ तौर से कहना है कि अगर 400 पार आएगी बीजेपी का तो संविधान को बदल देंगे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आरक्षण है उसको भी खत्म कर देंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे विपक्ष? बार बार प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि संविधान को बदलना किसी के बस की बात नहीं है, कोई संविधान नहीं बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी, उसका एक एक सांसद संविधान के रक्षक हैं, हम उसकी रक्षा करेंगे प्राणों की बाजी लगा करके भी, और संविधान के साथ जो खिलवाड़ पिछले 60-70 वर्षों में कांग्रेस और उनसे उनकी संबंधित सरकारों ने किया है, आगे ये नहीं होगा किसी भी रूप में, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। और 400 का मतलब बहुत सारे ऐसे काम जो जिसके लिए इतना बहुमत चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, पर उसका किसी भी तरह से संविधान बदलने से कोई संबंध नहीं है। संविधान की हम रक्षा करने वाले लोग हैं, संविधान के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूरी तरह से संविधान की रक्षा करेंगे, किंतु विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वो जिस प्रकार से आतुर है SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करके उसको मुसलमानों को देने की बात कर रहा है, इस पर विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। वो स्पष्ट कहे कि वो उनके आरक्षण को कम नहीं करेंगे, उसमें से नहीं देंगे, लेकिन उनका आचरण बताता है, कर्नाटक में भी उन्होंने ऐसा किया है, तो ये आचरण बताता है ये विपक्ष है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की भावना को बार बार आहत करने का काम करता है संविधान से छेड़छाड़ करके। सर, वही बात किया जाए, आप उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, इस बार उत्तराखंड में 5 सीटों को लेकर क्या आकलन आपका, क्या कह रहे हैं? हमारा आकलन है कि हम पहले से ज़्यादा वोट लेकर के उत्तराखंड की 5 सीटों को जीतेंगे, हैट्रिक बनाएंगे, क्योंकि हमारी डबल इंजन की वहाँ सरकार है। मोदी जी ने हमारे प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी, उनके नेतृत्व में भी प्रदेश में विकास का बहुत काम हुआ है, तो निश्चित रूप से हम 5 सीटों को पहले से ज़्यादा वोट लेकर जीतेंगे। सर, इस बार प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार का नारा जो दिया था, उस पर बीजेपी कितना कारगर साबित होती हुई दिख रही है? बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता उस पर दृढ़ता के साथ काम कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन विपक्ष में हताशा है, निराशा है, विपक्ष के कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए कई बार आप लोगों को लगता है कि कैसे होगा। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जिस तन्मयता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हम 400 को पार करेंगे। तो ये थे नरेश बंसल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी और इस बार 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया उस पर पूरा दमखम से उतरा जाएगा। शिवम पांडे, TNP न्यूज, दिल्ली। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें TNP न्यूज। नमस्कार।